यूं तो मौजूदा सरकार बड़े बड़े वायदे कर और विकास कार्यों का बखान कर रही है, तो वहीं विकास यात्रा निकाल कर वाहवाही भी लूटी जा रही है। लेकिन विकास की स्थिति धरातल पर देखी जाए तो शून्य नजर आती है। ऐसे ही विकास की एक जीती जागती तस्वीर चंदला विधानसभा अंतर्गत सरवई से लेकर चंदपुरा तक के मार्ग की देखी जा सकती है, जहाँ MPRDC द्वारा कराए गए सड़क निर्माण में वाहन हिचकोले खाते निकलते हैं। सड़क में लगातार ओवरलोड वाहनों के निकलने की वजह से सड़क गड्ढों में तब्दील हो चुकी है, जिससे आए दिन दुर्घटनाओं की स्थिति भी बनी रहती है और कई गंभीर दुर्घटनाएं भी हुई हैं। वह खड्डी ग्राम के समीप लगे टोल बैरियर पर वाहन चालकों से खासा टैक्स वसूला जाता है, जबकि टोल उसी दौरान लगना चाहिए जब सड़क सपाट और चिकनी हो, लेकिन यहाँ पर टोल के नाम पर वाहनों से जमकर पैसा तो वसूला जाता है, लेकिन जहाँ पर ये टोल बैरियर लगा है वहीं से खराब सड़क की स्थिति नजर आती है, लेकिन अधिकारी आंख मूंद कर बैठे हुए हैं। सड़क के नाम पर गड्ढों के अलावा कुछ भी नहीं है और ना ही सड़क की मरम्मत की जा रही है। वाहन चालकों से जब मौके पर बात की गई तो उन्होंने अपनी व्यथा सुनाते हुए ट्रक ड्राइवर विजय कुमार ने बताया कि यहाँ की बारबंद रेत खदान से रेत का परिवहन किया जाता है और इसी मार्ग से निकलना होता है। यहाँ बैरियर पर 360 रुपये निकलने का चार्ज लगता है, लेकिन रोड की खराबी की वजह से आए दिन गाड़ियाँ भी खराब होती हैं और समय रहते उन गाड़ियों को रिपेयर कर टोल बैरियर क्रॉस करना होता है। अगर गाड़ी नहीं सुधर पाती या विलंब हो जाता है तो दोबारा से 360 रुपये ठेकेदार को देने पड़ते हैं। कई बार रोड की मरम्मत को लेकर ठेकेदार से बहस भी हुई, लेकिन ठेकेदार का कहना है कि ये काम हमारा नहीं बल्कि शासन प्रशासन का है और आपको टोल टैक्स देना ही पड़ेगा। सवाल ये उठता है कि आखिरकार वाहन चालक इस दोहरी मार को कब तक झेलेगा? रोड खराब होने की वजह से वाहनों की खराबी होती है तो वहीं ज़्यादा डीजल भी लगता है और दूसरी तरफ टोल टैक्स की मार भी पड़ती है। स्थानीय लोगों से जब इस संबंध में बात की गई तो उन्होंने बताया कि ये मार्ग दुर्घटनाओं को आमंत्रण दे रहा है। आए दिन भीषण हादसे होते हैं और अब बारिश का मौसम शुरू हो गया है। गड्ढों में जलभराव के कारण गड्ढों की गहराई का अंदाज़ा लगाना वाहन चालकों को मुश्किल होता है, जिससे और भी हादसे हो सकते हैं। इस मामले में गौरीहार SDM देवेंद्र चौधरी ने शासन के विकास कार्यों पर लीपापोती करते हुए कहा कि सड़क की मरम्मत का कार्य लगातार किया जा रहा है। जहाँ भी आवश्यकता होती है शासन द्वारा कार्य को कराया जा रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि बरसात के मौसम में जब डामरीकरण का कार्य नहीं हो सकता तो आखिरकार मरम्मत के नाम पर क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है? अच्छा, यहाँ जो ये टोल बैरियर लगा हुआ है इसे कितना पैसा लगता है? 360 रुपये लगता है यहाँ से वहाँ। अच्छा, और ये जो रोड की यहाँ खराबी है, जो डैमेज डला हुआ है, रोड बन नहीं रहा है, इसके लिए क्या कहेंगे आप? इसके लिए तो हम लोग तो परेशान है, पैसे दे रहे, बन नहीं रहा तो क्या करेंगे जी। तो इसमें इसमें आप लोगों को किसी प्रकार का कोई अब हम लोग अगर वहाँ पूछते हम लोग कहते तो हमार खाजी साहब क्या मतलब है? तो कितने समय में लगता है आपको? 24 घंटे के लिए एक बार? 24 घंटे के लगता है अगर बैरियर पार हो गए, अगर बैक भी करना है उनके में 10 कदम आना है तो 360 फिर देना है। अच्छा, अगर इस पार भी तुम्हारा टाइम फिर पूरा हो गया तो पार करने के लिए फिर 360। तो टैक्स देते समय आप ये नहीं कहते कि इसकी रोड की रिपेयरिंग कराइए ताकि हमारे वाहन खराब ना हो? क्या मतलब, वो कहते हैं हमारा क्या काम है, ठेकेदार का काम। अच्छा, तो यहाँ कौन लेते हैं? ठेकेदार के लोग बैठे? हाँ, ठेकेदार के लोग यहाँ बैठे, यहाँ बैठे, वहाँ बैठे। अच्छा, दोनों जगह बैठे। तो रिपेयर कराने से कोई बात नहीं करते? नहीं, रिपेयर नहीं, कराने नहीं, नहीं, पैसा चाहिए उन्हें? पैसा चाहिए तो कहना चाहिए, तो कुल मिला के फुल गुंडे ही हो रही है, उसके द्वारा लापरवाही की जा रही है। और इस विषय में हम लोग की सांसद जी से भी चर्चा हुई थी, उन्होंने भी निर्देशित किया था कि इसको शीघ्र ठीक करना है। और सांसद जी ने एक बड़ी रोड भी स्वीकृत कराई यहाँ पर, काफ़ी काम आपने देखा होगा चल रहा है खड्डी से सांसद की। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो अच्छा काम कर रही है। और ये जो लाइफ लाइन है ये भी तत्कालीन विधायक रामदयाल जी द्वारा डलवाई गई थी और राजेश प्रजापति जी द्वारा भी इसमें गुणवत्ता में सुधार किया गया। लेकिन निश्चित रूप से प्रशासन द्वारा, रोड निर्माण कंपनी द्वारा लापरवाही की जा रही है, जिससे लोगों की जानें भी जा रही हैं, लोग परेशान भी हो रहे हैं। रोड टूटे होने से कई एक्सीडेंट भी हुए और उस तरफ रामपुर का भी पुल टूटा हुआ है, जिस कारण रेत के ट्राले भी यहाँ से निकल रहे हैं और उनके द्वारा जन जीवन दोनों का नुकसान हो रहा है। रोडों में भी ट्रैक जो वो हैं ओवरलोड ट्रक चलाए जा रहे हैं। हाँ, जैसा कि आपने बताया और देखा भी जा रहा है कि सैकड़ों ट्रक रोज आना जाना यहाँ से करते हैं और मौसम भी बरसात का चल रहा है, जिसमें बड़े बड़े गड्ढों में पानी भी भर जाएगा, इससे बहुत ही चांसेस रहेंगे आए दिन दुर्घटनाओं के। इसको लेकर के जनता द्वारा किसी प्रकार का कदम उठाना चाहिए। आप प्रशासन से किस तरह की मांग कर रहे हैं? हम लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इस रोड को शीघ्रता से ठीक करें।
जी अभी ये संज्ञान में है और इसमें चूँकि ये गारंटी पीरियड में है तो इसमें अभी मरम्मत का कार्य भी चल रहा है और MPRDC के जो अधिकारी हैं उनको भी बुला के हमने इसमें उनको बोला सुधार करने के लिए, जैसा काम चल भी रहा है। जी जैसा मौसम देख रहे हैं, बरसात का मौसम है, बड़े बड़े गड्ढे हैं जिनमें पानी भी भर जाता है, छोटे वाहनों को पलटने का और दुर्घटना के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, लेकिन जैसे ठेकेदार से भी बात की गई, उन्होंने बताया कि ई मेंटेनेंस का काम हमारा है, हम लगातार पे कर रहे हैं जो भी वसूली आती है, जो भी हमारी किस्त है EMI वगैरह, लेकिन जो है रोड का ठेकेदार उसको रिपेयर नहीं कर रहा है। नहीं, इस संबंध में इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है, लेकिन मरम्मत लोग जरूर करा रहे हैं और मरम्मत होगी और निश्चित करवाएंगे। ये तो ये सर कब तक काम इसका ऐसा हो जाएगा कि अभी भी काम चल रहा है, आप देखेंगे तो सर्वे तरफ से काम चल रहा है।